नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जीन्सों के बाजार का हाल, क्या स्थिति इनकी रही है, कौन से कृषि जीन्स के बाजार में आई गिरावट, किस में चढ़ा बाजार, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है इनका बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे टमाटर, चना, मक्का, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कुछ और कृषि जीन्सों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। पुणे मंडी में 50 रुपए चढ़कर 2,500 रुपए पर हुए मक्का के सौदे, अलीगंज मंडी में 1,675 रुपए रहा मक्का का भाव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो 29 जून को पुणे और अलीगंज मंडी में मक्का के भाव में जाहिर तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति रही, और खासतौर से अगर इसके सौदों की हम बात करें तो यहाँ पे मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जबकि नरहरपुर मंडी की अगर बात की जाए तो दौरान मक्का के सौदों में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ, यहाँ एक स्थिरता नजर आई। वहीं मक्का की पैदावार की बात करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 29 जून को पुणे और अलीगंज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि नरहरपुर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 जून को देसी लाल मक्का का भाव रहा 2,450 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 जून को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,655 रुपए। 29 जून को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 1,675 रुपए पर हुए। छत्तीसगढ़ के नरहरपुर मंडी में बीते दो दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 जून को मक्का 1,750 रुपए पर बिका। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय की अगर बात की जाए, क्या कुछ स्थिति यहाँ नजर आएगी हमें मक्का के बाजार में? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में मक्का की बुआई की बात की जाए, अभी तक खरीफ सीजन में 7,59,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है जी। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाइयों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, तो शिव जी का मानना यही कि इंतजार करना बेहतर रहेगा। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और आइए अब रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। धौल मंडी में 35 रुपए गिरा चने का भाव, पुणे मंडी में 150 रुपए उछला चना। और इस साल 20,62,000 टन हो सकती है टमाटर की उपज,
दामनगर मंडी में 9,850 रुपए पर बिका टमाटर। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं चने के बाजार की। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। पुणे, लालसोट और मालपुरा मंडी की बात करें तो यहां चने के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि धरौल और जयपुर मंडी की बात की जाए तो चने के भाव में एक नरमी देखने को मिली। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 29 जून को चना बिकवाली के लिए पहुंचा, लेकिन इसके बाजार में क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। पुणे, लालसोट और मालपुरा मंडी में चने के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं धरोल और जयपुर मंडी में चने के भाव में नरमी देखने को मिली। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 29 जून को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में 28 जून को चने का भाव रहा 4,425 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,390 रुपए। जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 जून को चने का भाव था 5,600 रुपए। 29 जून को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 5,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 28 जून को चने का भाव रहा 4,457 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 21 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,436 रुपए। राज्य की ही लालसोट मंडी में 28 जून को चने का भाव था 4,500 रुपए। 29 जून को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 4,520 रुपए पर हुए। मालपुरा मंडी में इस दौरान चने के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 28 जून को चने का भाव रहा 4,665 रुपए। 29 जून को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,675 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135.44 लाख टन रही थी। तो जाना आपने चने के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं चने के बाजार में? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, हालांकि आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2022-23 में चना के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में वर्ष 2022-23 में चना के उत्पादन में कुछ कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, और ऐसे में जो किसान है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा मजबूती की उम्मीद देखने को मिल सकती है, जिस कारण से आने वाले समय में चना की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, शिव जी का मानना ही है कि आप इंतजार करें, क्योंकि उसके बाद एक तेजी चने के बाजार में नजर आएगी, तब किसान बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए रुख करते हैं और आपको बताते हैं अरहर का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ अरहर का भाव रहा 8,600 रुपये क्विंटल। गुजरात की जसदण मंडी, यहाँ भाव रहा 8,000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में अरहर का भाव रहा 6,800 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के सिलसिले में हम बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की भी, बताएंगे आपको बाजरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं ज्वार के बाजार की तरफ। गुरुवार को ज्वार की आवक ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार 29 जून को गुजरात की जसन मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,900 रुपये क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,100 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की ही कालौल मंडी में भाव रहा 5,050 रुपये क्विंटल। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहां ज्वार के सौदे 4,950 रुपये क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, इस साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी, यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कुछ कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार का हाल, अब आइए आपको बताते हैं मूंग का भाव क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ मूंग का भाव रहा 8,625 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 8,250 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 8,475 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है, हालांकि इसके हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगांव मंडी में भाव रहा 2,072 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,925 रुपये क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की बात करें तो यहां भी बाजरे का भाव रहा 1,920 रुपये क्विंटल। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बाजरे की पैदावार साल 2022 और 23 के दौरान 11,66,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी, यानी साल बाजरे की पैदावार 13,00,000 टन से ज्यादा हो सकती है। तो बाजरे की पैदावार में इजाफा होगा, लेकिन इसका असर बाजार पर किस तरह का नजर आएगा, इसके लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, बाजरे के बाजार की अगर बात करें, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में नरमी देखने को मिली है, आवक में भी कुछ मंडियों में कमी देखने को मिल रही है जी। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में कमी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है जी। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक हालांकि इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
चलिए बिल्कुल, तो यहाँ शिव जी का मानना यही कि इंतज़ार करना बेहतर रहेगा, कुछ समय बाद एक मजबूती जो है वो भाव में नज़र आ सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मसूर का भाव क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की, तो यहाँ मसूर का भाव रहा 5,270 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भाव रहा 7,050 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में भाव रहा 6,100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे टमाटर और सोयाबीन के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तब मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी। पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की 12 मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,700 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,025 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की जसदन मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,650 रुपए क्विंटल। आपको बता दें ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अभी तक अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल आप देख सकते हैं इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन ही रही थी। वहीं बात अगर सोयाबीन की पैदावार की जाए तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जाहिर तौर पर थोड़ी सी जो कमी होगी उसका असर बाजार पर दिखेगा, लेकिन बेहतर स्थिति अगर आपको मिलती है तो आप बाजार का रुख ऐसे में कर सकते हैं। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कपास का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की चौटीला मंडी की, तो यहाँ कपास का भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में ये भाव रहा 7,050 रुपये क्विंटल। गुजरात की जसदन मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नज़र डालते हैं धनिए के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ धनिए का भाव रहा 17,150 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 5,525 रुपये क्विंटल। और यहीं की हलवद मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 6,250 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं टमाटर की, जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। खासतौर से बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में एक तेजी नजर आ रही है।
एग्मार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो 29 जून को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की कुछ मंडियों में टमाटर का भाव 4000 रुपये प्रति क्विंटल के पार जा पहुंचा। वहीं मंडियों में टमाटर के भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की दामनगर मंडी में टमाटर का भाव रहा 9850 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहाँ भाव रहा 5400 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात करें तो टमाटर का भाव रहा 3500 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में टमाटर के सौदे 4320 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो साल 2022 और 23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल का आंकड़ा आप देख सकते हैं, इस दौरान समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन दर्ज की गई थी। तो बाजार की स्थिति आपने जान ली, किस तरीके से लगातार कुछ मंडियों में जो तेजी है वो टमाटर के बाजार में नजर आ रही है, लेकिन जो तेजी है कब तक रहेगी और किस तरीके से टमाटर का जो बाजार है वो कारोबार करता नजर आएगा, जान लेते हैं शिवजी से। शिवजी, क्या स्थिति नजर आएगी हमें टमाटर के बाजार में? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह बारिश के कारण फसलों का नुकसान होना है। जहाँ तक आने वाले समय की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में मजबूती और फसल में खराबी के कारण आने वाले समय में कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, यानी जाहिर तौर पर कई अलग कारक हैं जिसकी वजह से जो तेज़ी है वो इसके भाव में नज़र आ रही है। फिलहाल शिव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जींसों के बाजार का हाल। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे DD किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मंडी खबर के साथ अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जींसों के मंडी भाव लेकर फिर हाजिर होंगे मंडी खबर में, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।